हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। माननीय कलेक्टर साहब, माननीय उप जिलाधिकारी महोदय, माननीय तहसीलदार महोदय, आप लोग सिफारिश कर दो इस नल विभाग के इंजीनियर से कि खटिया कला बड़े गांव के लिए घर घर नल पानी देना पड़ जाएगा। मैं सिफारिश के लिए यहां पर प्रार्थना पत्र देने आया हूं अपनी ग्राम की जनता के साथ कि आपकी सिफारिश शायद ये संबंधित विभाग हम गरीबों का, हम आम जनता तक चल पहुँचा सके। इस त्योहारी सीजन में जो समस्याएँ घरों में हैं ये हम जानते हैं। 5000 कनेक्शन में तुम रिजल्ट कितने दे पा रहे हो? घर तक पानी नहीं जा पा रहा, एक थोक एक वार्ड तक पानी जाए, सारे वार्ड 14 वार्ड पानी के लिए तरस जाएं। आज मैं खपटिया कला टंकी के ही पास खड़ी हूँ। आप देख ही रहे हैं, यहाँ के लोगों का ये भी आरोप है कि हमारे मोहल्ले में 6 महीने से टंकी सप्लाई वाला पानी नहीं पहुँचा है। इसलिए हमने पहलानी तहसील में ज्ञापन देकर सप्लाई वाला पानी चालू कराने की मांग की है। कई बार हमने एप्लीकेशन भी दी है, एप्लीकेशन देने के बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। कनेक्शन धारी है, पानी नहीं मिल पा रहा, 6 महीने से बिल्कुल नहीं पहुंच पा रहा। 2 साल तक तो ये था कि 4 दिन पहुंचता था, तो 4 दिन के लिए एक दिन में भर लेते थे, अब बिल्कुल नहीं पहुँच पा रहा है पानी। जेई को कहते हैं तो जेई नंबर नहीं उठाता, ना कुछ काम करता है जेई। दूसरा ट्यूबवेल चाहिए, दूसरी टंकी ग्राम के दक्षिण पूरब पश्चिम की दिशा में चाहिए, पश्चिम की दिशा में और पूरब की दिशा में एक वर्तमान में है, उसका भी ट्रीटमेंट चाहिए, उसकी भी एक अच्छी सी स्थिति चाहिए। धन्यवाद। कितने लोग हैं जो आपके वार्ड नंबर में है और उन लोगों को पानी? पूरे वार्ड में नहीं पहुंचता है पानी, 3 नंबर पे। तो पानी के लिए कहाँ जाते हैं? पानी के लिए कभी कभी हैंडपम्प जाते हैं, ये तो कनेक्शन लिए ना हम लोग, तो इसलिए आए हैं। कनेक्शन धारा कहें हम लोग टंकी के लिए आए कि टंकी वाला जो सप्लाई का पानी है वो हमको मिले। 360 रुपये 6 महीने का आता है बिल। और आपके मोहल्ले में कितने कनेक्शन धारक हैं? हमारे मोहल्ले में संपूर्ण कनेक्शन है, हर घर में कनेक्शन है, समझ लिया। 6 महीने से ज़्यादा परेशान, कम से कम 35,000 है। बहुत बड़ी बड़ी आबादी का ग्राम है, डेवलप विलेज है। तालाब भी सूख जाते, योजनाओं के तहत तालाब कैसे भरे जाते ये तो मैं जानता। ग्राम प्रधान तो खुलेआम वहीं बैठते रात दिन, कहना क्या है? क्या ग्राम प्रधान डेवलप सोच के आधार पर चयन करके आए थे? जनता ने क्या आशा रखी थी प्रधानों पर? मैं एक प्रधान की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे प्रधानों की बात कर रहा हूँ। वहीं बैठते, वहीं देखते और वहीं पर इनके सुविचार जन्म नहीं लेते, इनके चिंतन ग्राम के विकास के प्रति कतई नहीं होता। काम चालू है, एक मोहल्ला लाइन चौक है, बन रही है, कल परसों में कल परसों तक सबको पानी मिल जाएगा, काम चालू है। 6 महीने से सप्लाई नहीं हुई तो अभी तक में क्यों नहीं गए? लाइन जाम थी, कहाँ कोई सूचना, जब सूचना मिला कल तो आज से आदमी लग गए हैं। इंटर कॉलेज के सामने से ही जो मुख्य पाइपलाइन जा रही है गाँव अंदर, वही पर ही है जाम है, वही सही हो रहा है, जहीं साफ हो जाएगा सबको पानी मिल जाएगा। उम्मीद यही कीजिए कि आजकल में सही हो जाएगा, आ जाएगा सही हो जाएगा तो सामने से सब पता नहीं मिल जाएगा। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।